सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि दोस्तों हम लोग कैसे अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में जो दोस्तों कलर स्क्रीन होता है उस पर दोस्तों हम अपना कोई भी ब्यूटीफुल सा फोटो या फिर कोई भी हम इमेज कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इसी चीज़ के बारे में बताऊँगा कि दोस्तों आप लोग कैसे अपने कलर स्क्रीन को दोस्तों चेंज कर सकते हो, वहाँ पर दोस्तों अपना फ़ोटो लगा सकते हो या फिर दोस्तों कोई एक बढ़िया सा बैकग्राउंड लगा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको भी अपने कलर स्क्रीन पर कोई एक बढ़िया सा बैकग्राउंड लगाना है तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं ऐसे भी लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीका में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों, एकदम जेन्युइन ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, जिससे आप लोगों को दोस्तों आप लोग अपना कलर स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी अपना कलर स्क्रीन को चेंज करना हो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में दोस्तों अगर आप लोग भी अपने कलर स्क्रीन को चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों उसके लिए आप सभी लोग एक सिंपल सा तरीका दोस्तों, वो तरीका क्या है कि दोस्तों आपको अपना फ़ोन वाला ऑप्शन ओपन करना है और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट में जाना है और फिर यहाँ से दोस्तों आप सभी लोगों को एक आपको दोस्तों जो जिस पे आप दोस्तों आपको लगाना है कलर स्क्रीन उस कॉन्टेक्ट को दोस्तों आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मान लीजिए मुझको सेलेक्ट करना आर्थिक क्रिकेट एकेडमी का, दोस्तों यहाँ से आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करना है, यहाँ से दोस्तों आपको ये वाला आइकन पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप सभी लोगों को जो लोगो है दोस्तों आपको वहाँ पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ से आप सभी लोगों को चूज न्यू फोटो फ्रेम गैलरी, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपने नहीं लगाया होगा तो दोस्तों आपका आ जाएगा चूज फोटो फ्रेम गैलरी, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ से आने के बाद दोस्तों आप सभी लोगों को डाउनलोड में आ जाना है और डाउनलोड में आने के बाद दोस्तों आप सभी लोग कोई भी एक फोटो लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से मान लीजिए मैं विराट कोहली का लगा रहा हूँ, तो यहाँ से आपको यहाँ ये चीज़ आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से ओके कर देना है। फिर ओके कर देने के बाद दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों का जो दोस्तों फोटो दोस्तों वो आपके कलर स्क्रीन पर सेट हो जाएगा। फिर यहाँ दोस्तों हमको सेलेक्ट कॉन्टेक्ट यानी दोस्तों हमको सही पे क्लिक कर देना है और क्लिक कर देने के बाद दोस्तों फिर यहाँ से आप सभी लोगों का जो दोस्तों है कॉन्टेक्ट दोस्तों वो आपका हो गया है। दोस्तों अगर आपका इस नंबर पर दोस्तों कभी फ़ोन आएगा तो दोस्तों आपका जो कलर स्क्रीन है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, दोस्तों आपका विराट कोहली का फोटो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों आपको अपने हर एक कॉन्टेक्ट में दोस्तों आपको लगा लेना फोटो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका और कोई भी तरीका नहीं दोस्तों, ये सिर्फ इसका तरीका है कि दोस्तों आप लोग सिंगल कर करके आप लोग अपने हर एक कलर स्क्रीन पर दोस्तों अलग अलग फोटो को लगा सकते हैं दोस्तों, जो फोटो आपका पसंद हो। तो दोस्तों उम्मीद कर सकता हूँ कि दोस्तों आप लोग आसानी से अपने किसी भी कलर स्क्रीन का जो फोटो होता है उस पर अपना खुद का फोटो लगा सकेंगे या फिर किसी दूसरे का फोटो लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस ट्रिक से अपने किसी भी कलर स्क्रीन पर अपना फोटो लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।